नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास रायकवार। दोस्तों बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर ये जो साइलेंसर से आग निकल रही है इसको कैसे सही करें, तो उसके लिए मैंने सोचा आपको बताते हैं कि ये दिक्कत क्या होती है और ये क्यों आती है और इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी तब आपको ये समस्या आना बंद हो जाएगी, आप इसको आराम से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आग बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, इसको आप जब आप धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं तो वैसे भी आपको पता हो जाता है कि ये साइलेंसर से आग जो है ये क्यों निकलती है। तो आपने देखा कि देखिए कितना तेज़ आग निकल रही है इसमें। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, सबसे पहला मेन काम होता है जो साइलेंसर जो आपका नोजल होता है इंजन जो ये नोजल होता है ये नोजल जो है ये जाम हो जाता है और जब ये जाम चलने लगता है नोजल तब ये समस्या आती है, जो तेल की सप्लाई है वो अटकने लगती है। उसके बाद जो इंजन में तेल कम ज़्यादा जब तेल ज़्यादा आएगा तो ये फिर साइलेंसर से आग निकलना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों इसको सही कैसे करना है, आप इसका नोजल चेंज कर दीजिए तो ये समस्या जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद अगर समस्या ख़त्म नहीं हो रही नया नोजल डालने के बाद तो क्या करिए, आप जो पंप की ठोकर है उसको या तो कम कर सकते हैं या तो ज़्यादा कर सकते हैं और इसके बाद ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये नोजल अगर बार बार जाम हो रहा है आपका, ये जो एयर कूल्ड होता है इसका नोजल जो है अक्सर जाम हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो इंजन हीट होता है बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इसकी जो सीआर होती हैं सीआर चेंज कर दीजिए, बिल्कुल अपना इंजन मस्त चलेगा। तो दोस्तों यही था और ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, नोजल ही दिक्कत देता है तभी ये समस्या आती है।